हेलो बच्चों, ये केमिस्ट्री की मिस्ट्री है, कोई कंपाउंड नीला है, कोई कंपाउंड पीला है, प्रेम लीला है, रसायन लीला है। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बेबाक तरीके से। दोस्तों, अच्छा टाइम अपने आप नहीं आएगा, अच्छा टाइम लाना पड़ता है। अच्छे टाइम के लिए हमें कड़ी मेहनत, राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच से काम करना होगा। आज हम केमिस्ट्री में रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की पूरी माया को जानेंगे। एटॉमिक मास से रिलेटेड हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन से स्टार्ट हो चुका है। आज हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले बात करनी है यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास की। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का एटॉमिक मास कैलकुलेशन में क्या रोल रह चुका है, यह हमें जानना है। सबसे पहले आइए बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखिए किसका रेशियो है, रिलेटिव एटॉमिक मास आर ए एम इज इक्वल टू, ये रेशियो है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का मास, एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इससे देखिए हमें क्या मिलता है। प्रीवियस सेशन में हमने एटॉमिक मास को, मास ऑफ वन एटम को कैपिटल ए एम यू से रिप्रेजेंट किया है, तो आज एक बार फिर से हमने एटॉमिक मास को कैपिटल ए एम यू से रिप्रेजेंट किया है। और ये देखिए 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ये 1 एम यू क्या है, ये 1 एम यू है। एम यू से एम यू यूनिट देखिए कैंसिल हुई, तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी। यहां भी एमयू है, यहां भी एमयू है, तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट होगी। जी नहीं, कोई यूनिट नहीं होगी। रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या है ये, यूनिटलेस है। और न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, ये देखिए कैपिटल ए के इक्वल है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसकी, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कैपिटल ए है, कैपिटल ए एम यू है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, ये होगा कैपिटल ए। क्लियर है बात। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कैपिटल ए है तो हम ये भी बोल सकते हैं एटॉमिक मास क्या होगा, ए एम यू होगा। यानी यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने जो एटॉमिक मास ए एम यू है इसकी यूनिट को हमने यहां से रिमूव किया और रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने यहां डिफाइन किया, जो कि क्या है, कैपिटल ए है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यहां पर हमने मेंशन किया है 1 एम यू किसके इक्वल है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कैसे इसकी इक्वल है, आइए इसको भी बारीकी से अंडरस्टैंड करना होगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एक्सपेरिमेंटली देखा जा चुका है ग्राम में क्या होगा, 1.99 इंटू 10 रेस टू पावर -23 ग्राम होगा। क्लियर है बात। तो देखिए 1 एमयू क्या है, 1 एमयू इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आइए इसको फील करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 जो ग्राम में है इसे यहां पुट करते हैं, यहां से आप ज्यादा अच्छे से इसको फील कर पाएंगे। जो आप देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में वैसा ही एक बार फिर से आप देखने वाले हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को मैंने ये पुट किया तो देखिए क्या मिलता है, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 रेस टू पावर -23। यहां से हमें 1 एमयू
1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 ग्राम मिलता है। देखिए प्रीवियस सेशन में भी हमने 1 एमयू को इतने ही ग्राम बोला है और आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया। यहां भी हमें 1 एमयू किसके इक्वल मिलता है, 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 ग्राम के इक्वल मिलता है। दोनों ही डेटा मैच होता है, इसका मीनिंग है जो हमने प्रीवियस सेशन में 1 एमयू को रिप्रेजेंट किया था एक बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल सही था, और आज हमने यहां भी 1 एमयू को एक अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट किया है कार्बन स्केल को यूज करते हुए, यह भी करेक्ट है। चलिए आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना है, कैपिटल एम ए जेड, अगर ये है एटम की रिप्रेजेंटेशन, इसमें कैपिटल एम क्या होगा ये आप जानते हैं, ये सिंबल होगा, क्लियर है बात, और कैपिटल ए ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, कैपिटल जेड ये एटॉमिक नंबर है। मास नंबर से हम आसानी के साथ एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कैसे, एटॉमिक मास एएमयू यूनिट में क्या होगा, कैपिटल ए एएमयू होगा, और ग्राम यूनिट में एटॉमिक मास क्या होगा यह भी हमने देखा है प्रीवियस सेशन में, इसको चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। एटॉमिक मास ग्राम यूनिट में देखिए क्या होगा, ए इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम, 1 एएमयू हम जानते हैं किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम के इक्वल है। इस प्रकार से इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एटॉमिक मास ग्राम यूनिट में मिल जाएगा। आई होप ऐसा आपने भी किया होगा और आपने भी इसके एटॉमिक मास को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया होगा और लर्न भी किया होगा, इसको लर्न करना है। ये देखिए मास नंबर से ये इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी और आसानी के साथ एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्लियर है बात। देखिए इसको यूज करते हुए कैसे हम 1 एमयू में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, 1 एमयू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, 12 मास नंबर है, तो देखिए इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, 12 एमयू, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो देखिए 1 एमयू 1 एमयू के इक्वल है, यानी ये हमने करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। एक और प्रूफ हमने इसका देख लिया है, ऐसे तो हम किसी और एटम के लिए भी 1 एमयू को ठीक इसी प्रकार से आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जी हां, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सभी के लिए 1 एमयू को हम आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए कैसे 1 एमयू हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, तो देखिए 1 एमयू किसके इक्वल हुआ, 1 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है बात, हाइड्रोजन 1 जिसका मास नंबर क्या है 1 है, ऐसे 1 एमयू ऐसे भी आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑक्सीजन स्केल पर अगर 1 एमयू की बात की जाए तो 1/16 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, क्लियर है बात। ऐसे नाइट्रोजन स्केल पर बात की जाए तो 1 एमयू क्या होगा, 1/14 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, देखिए कैसे इस प्रकार से 1 को मल्टीप्लाई किया गया इसके साथ तो चेंज तो होगा नहीं, और इसका मास देखिए क्या है, 1 एमयू है, क्लियर है बात, तो 1 एमयू 1 एमयू के इक्वल हुआ। यहां देखिए 1 एमयू किसके इक्वल है, 1/16 से मल्टीप्लाई करते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 क्या होगा, मास नंबर 16 है, ये होगा 16 एमयू, देखिए 16 से 16 कैंसिल हुआ, अगेन ये 1 एमयू और ये भी 1 एमयू, तो इसके इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। आगे देखिए यहां 1 एमयू किसके इक्वल है, 1/14 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 क्या है,
इसका मास नंबर 14 है, यह है 14 एमयू। तो 1 बाय 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 से 14 कैंसिल होगा, 1 एमयू एक बार फिर से 1 एमयू के इक्वल है। आई होप इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। यानी 1 एमयू को कार्बन स्केल पर तो ऐसे रिप्रेजेंट किया ही जा सकता है, हाइड्रोजन स्केल पर, ऑक्सीजन स्केल पर, नाइट्रोजन स्केल पर, और भी कोई स्केल यूज करते हैं तो भी हम इस प्रकार से 1 एमयू को आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सल्फर स्केल पर बात करनी हो तो क्या होगा 1 एमयू, आपको ही बताना है क्या होगा सल्फर स्केल पर। देखिए सल्फर का मास नंबर 32 होता है, तो यहां आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर 32। क्लियर है बात? तो यहां क्या होगा 1 बाय 32, ताकि 32 से 32 कैंसिल हो पाए और हमें राइट साइड भी 1 एमयू मिल पाए। ऐसे ही फास्फोरस स्केल पर बात करनी हो, फास्फोरस के एक एटम का मास क्या होगा, 31 होगा। क्लियर है बात? तो 1 बाय 31 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस 31, तो यहां से हमें क्या मिल पाएगा 1 एमयू। यहां क्या है 1 एमयू, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। देखिए अगर आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं 1 एमयू को इस बेहतरीन अंदाज में डिफरेंट डिफरेंट स्केल के साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट स्केल के साथ रिलेटिव एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल किया गया था। आपको अंडरस्टैंड करना होगा मेरे साथ, हाइड्रोजन स्केल पर अगर बात की जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1। क्लियर है बात? मास नंबर क्या है 1 है। अगर एटॉमिक मास इस एटम का देखिए कैपिटल ए एमयू है, तो ये क्या है, ये 1 एमयू है। ये देख सकते हैं मास नंबर क्या है 1 है, तो ये है 1 एमयू। यहां से भी हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कैपिटल ए मिलता है। आगे चलते हैं, आगे हमें बात करनी है नाइट्रोजन स्केल के साथ अगर बात की जाए रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 बाय 14 इंटू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन 14। ये देखिए ये 14 एमयू है, लेकिन 1 बाय 14 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां से क्या मिलता है हमें 1 एमयू, और ये क्या है कैपिटल ए एमयू। अगेन आपको यहां से भी देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास कैपिटल ए मिलता है। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन स्केल के साथ बात करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा अगर बात की जाए ऑक्सीजन स्केल के साथ। आगे चलते हैं, देखिए अगर ऑक्सीजन स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करनी हो तो ऑक्सीजन स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उसी प्रकार से आप ऑक्सीजन स्केल पर भी रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जिस प्रकार से अभी तक आपने रिप्रेजेंट किया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 बाय 16 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। एक एटम का मास 16 एमयू, और 1 बाय 16 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी क्या हो जाएगा ये 16 इंटू 1 बाय 16, ये हो जाएगा 1 एमयू, और ये क्या है कैपिटल ए एमयू। एक बार फिर से रिलेटिव एटॉमिक मास आपको क्या मिलता है, कैपिटल ए मिलता है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सल्फर स्केल पर अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना हो, यूनिटलेस क्वांटिटी देखिए आपको क्या मिलती है, और सल्फर स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 बाय 32 इंटू
मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर 32, क्लियर है बात? ये क्या है? ये 32 एमयू है, और इस 32 एमयू को 1/32 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या मिलता है आपको? आपको यहां से इसका मास मिलता है 1 एमयू, और ये क्या है? कैपिटल ए एमयू। एक बार फिर से, यूनिटलेस क्वांटिटी, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको क्या मिलती है? ये मिलती है आपको कैपिटल ए के इक्वल। और ये सिलसिला और किसी स्केल पर भी ऐसे ही चलता रहेगा, और हम रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक तराजू है जिसको यूज करते हैं किसी भी चीज के वेट को वे करने के लिए। आजकल इसको रिप्लेस किया गया है डिजिटल वेइंग मशीन से, जिसे आसानी के साथ किसी भी चीज के वेट को हम वे कर पाते हैं, और एरर रहने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इस तराजू का यहां पर क्या रोल है, इसकी हमें बात करनी है। बात काफी पुरानी है, जब एटम के मास को कैलकुलेट नहीं किया गया था, तो उस टाइम रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को यूज करते हुए बेहतरीन तरीके से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया गया था। किस प्रकार से? देखिए इस तराजू के कॉन्सेप्ट से हम इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पर मैंने रखा है कार्बन 12, और मैं बात करूंगा हाइड्रोजन स्केल पर कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया जा सकता है, और कैसे तराजू के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए किसी के भी एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्बन 12 का एक एटम है, देखिए इसका मास नंबर क्या है, 12 है, क्लियर है बात? और यहां पर हमें इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स को रखना होगा, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है ये 12 है और ये 1 है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए, इनके मास को इक्वल बनाने के लिए हमें यहां पर 12 हाइड्रोजन एटम्स को रखना होगा। पहले हाइड्रोजन के मास को 1 माना गया, और जितने टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर होगा यहां पर, ताकि इसको बैलेंस कर पाए, जब ये बैलेंस्ड होगा तो जो हाइड्रोजन का नंबर होगा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन से ही बैलेंस हो पाएगा। जितने टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर यहां होगा, यही क्या हो जाएगा इसका, यही इसका एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे ये 12 है और ये 1 है, तो 12 क्या हुआ, 12 हुआ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर यहां नाइट्रोजन होता जिसका मास नंबर 14 है, तो उस केस में कितने हाइड्रोजन बैलेंस कर पाते? देखिए 14 हाइड्रोजन से बैलेंस होता, तो 14 क्या है, 14 इसका एटॉमिक मास है, और बोल सकते हैं 14 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर यहां 16 होता, देखिए ये बैलेंस हो पाएगा 16 हाइड्रोजन से, ये आप देख चुके हैं। तो इस प्रकार से 16 टाइम्स हाइड्रोजन का नंबर है, तो यही क्या होगा इसका एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ये हम देख चुके हैं। तो इस तराजू के कॉन्सेप्ट से आसानी के साथ हमने यहां पर डिफाइन कर लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास को, कितने टाइम्स किसी एटम का मास हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में है, वही क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। जैसे 12 टाइम्स है, तो 12/1, तो कितने हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, 12 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, 12 टाइम्स हुआ इसका मास। अगर 14 टाइम्स है, तो 14 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, कितने टाइम्स हुआ इसका मास, हाइड्रोजन के 1 एटम के मास के रिस्पेक्ट में 14 टाइम्स हुआ, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर किसी एटम का मास 32 है, तो कितने हाइड्रोजन उसे बैलेंस कर पाएंगे, 32 हाइड्रोजन बैलेंस कर पाएंगे, यानी ये मास 32 टाइम्स हो जाएगा हाइड्रोजन के एक एटम के मास के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही तराजू के कॉन्सेप्ट से रिलेटिव एटॉमिक मास को आसानी के साथ रिप्रेजेंट किया गया, कौन से स्केल पर, हाइड्रोजन स्केल पर। उसके बाद कार्बन स्केल को जल्द ही फॉलो किया गया, ध्यान से देखिए, कुछ ही साल बाद हाइड्रोजन स्केल को डिस्कार्ड किया गया और कार्बन स्केल को अपनाया गया। ऐसी क्या खास बात है कार्बन में, जो कार्बन को स्टैंडर्ड स्केल लेने में हमें मजबूर करती है? देखिए इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। आखिरकार कार्बन स्केल ही स्टैंडर्ड स्केल क्यों है? इन द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ एटॉमिक स्केल, कार्बन 12 हैज बीन चोजन एज रेफरेंस स्केल विद एटॉमिक मास कार्बन 12। व्हाई? ऐसा क्यों है?
कार्बन 12 को ही हमें स्टैंडर्ड स्केल में क्यों यूज करना है, इसकी हमें बारीकी से बात करनी है। इसके लिए हमें देखिए कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा, जैसे अबंडेंस, इसकी परसेंटेज, अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इज हाई, ऑलमोस्ट 99% होता है कार्बन 12, इसकी अबंडेंस ज्यादा है। कार्बन के आइसोटोपिक मिक्सचर में कार्बन 12 की अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। पॉइंट नंबर टू रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन 12 इज लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कार्बन 12 को स्केल में लिया और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो गया, यानी स्केल ही चेंज हो जाएगा, यानी हमें गलत डेटा मिल पाएगा यहां से। फिर अगर ये रिएक्ट हुआ तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये दूसरे किसी एलिमेंट के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं होगा, तो हमें एक्यूरेट डेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का मिल पाएगा, इसलिए कार्बन 12 को हम यूज करते हैं। रीजन नंबर 3 देखिए क्या है, बिकॉज बाय डूइंग सो एटॉमिक मासेस ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बी मेड होल नंबर। मैक्सिमम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस होल नंबर में मिल जाते हैं इस स्केल को यूज करने से, इसीलिए इन 3 रीजंस की वजह से हम कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड स्केल मानते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये आपने काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं, आगे हमें इस पॉइंट की बात करनी है, 1 AMU किसके इक्वल है। अब तो आप देखते ही आंसर कर देंगे 1 AMU किसके इक्वल है। रिलेटिव एटॉमिक मास का यहां पर अंत होता है इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, 1 AMU किसके इक्वल है ये जान चुके हैं आप। 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU इक्वल होता 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा हमें ए ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन हुआ इसका राइट आंसर। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा और कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा, फाइनल आंसर तक आप पहुंचे होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10^-24 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ये आपको बताया जा चुका है। और इसके नंबर की बात करनी है तो हमें देखिए क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे प्रेजेंट इन टू एटम्स, दो एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे इसकी बात करनी है। आइए सबसे पहले बात करें एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन ये है, कैपिटल एम ये सिंबल है, ये हम जानते हैं, और कैपिटल ए मास नंबर है, मास नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात, तो देखिए मास नंबर कैपिटल ए है तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ग्राम यूनिट में होगा ए इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, ये होगा। हमें कैलकुलेट करना है ए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एटॉमिक मास देखिए ये है, ए के साथ एटॉमिक मास ये है हम जानते हैं, और एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में दिया भी है, इनको इक्वेट कर देंगे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ए हमें यहां से क्या मिल पाएगा, आई होप इसको आपने सिंप्लीफाई किया होगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखिए यहां से ए मिल पाएगा 2 के इक्वल, ए है 2, यानी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए कितने हैं, 2 हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर यानी कैपिटल ए 2 है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वन एटम में हमारे पास 2 हैं, तो 2 एटम्स के कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, आइए इसकी बात करें। यूनिटरी मेथड से हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होंगे 2 एटम्स में। यूनिटरी मेथड देखिए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं
कैपिटल एक इक्वल है और कैपिटल ए टू है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टू एटम्स, दो एटम में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ये होंगे 2a, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 into 2। यहां से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स टू एटम्स में क्या मिलते हैं, ये देखिए 4 मिलते हैं, 2a 4 के इक्वल है। आई होप ये आप देख चुके हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है। काफी सारे एटम्स के आपने मास देखे होंगे, कुछ एटम्स के मास आपको फ्रैक्शनल भी मिले होंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रैक्शनल हो सकता है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल हो सकता है। और ये एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोपिक मिक्सर के केस में हम देखेंगे। आइसोटोपिक मिक्सर क्या है इसकी हमें बात करनी है। एवरेज एटॉमिक मास मिक्सर के केस में फ्रैक्शनल हो सकता है। ऐसा मिक्सर क्या होगा जिसके लिए हमें एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करना है, ऐसा मिक्सर होगा आइसोटोपिक मिक्सर, आइसोटोपिक मिक्सर। अब आइसोटोपिक मिक्सर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा आइसोटोप को, आइसोटोप क्या है। चलिए बात करें आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स होते क्या है, तभी हम आसानी के साथ एवरेज एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये तो हम देख चुके हैं एवरेज है तो फ्रैक्शनल तो हो सकता है, लेकिन होता क्या है इसके लिए हमें जानना होगा यहां पर किसको, आइसोटोप्स को, क्योंकि आइसोटोप्स के लिए ही एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है। जो आइसोटोप्स एक मिक्सर में प्रेजेंट है उस मिक्सर के लिए हमें एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करना होगा। आइए आइसोटोप्स को जाने, आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप्स आर वेरिएंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, हैंस मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स विल बी डिफरेंट, मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स विल बी डिफरेंट। देखिए अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो मास नंबर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है D2N और इसको T3N। ये आप जानते होंगे DT क्या है, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम है, D क्या है, ये है ड्यूटेरियम और ये क्या है, ये ट्रिटियम है। क्लियर है बात, आई होप ये आपको पता होगा। H11 क्या है, ये प्रोटियम है। ये हाइड्रोजन के तीनों ही आइसोटोप्स एक मिक्सर में प्रेजेंट है, ये मिक्सर है, ये क्या है, ये मिक्सर है जिसमें तीनों ही आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, ये एक मिक्सर है जिसमें प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम तीनों ही प्रेजेंट हैं। ये देखिए किस प्रकार से डिफरेंट है, क्या इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जी नहीं, एटॉमिक नंबर सेम होता है तभी तो एलिमेंट एक ही है। एटॉमिक नंबर क्या है, ये देखिए एटॉमिक नंबर सेम है इस केस में, किस केस में, आइसोटोपिक मिक्सर के केस में। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हाइड्रोजन है तो डिफर किस में करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो देखिए मास नंबर क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर होता क्या है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा।
अगर यहां पर प्रोटॉन का नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे, न्यूट्रल एटम्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, तो डिफरेंट क्या होंगे, ये आपने फील कर लिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके होंगे डिफरेंट। और एक ऐसा मिक्सचर हमारे पास है जिसके अंदर तीनों ही प्रेजेंट है, इसकी अबंडेंस यानी परसेंटेज मान लेते हैं x1% है, इसकी अबंडेंस और परसेंटेज x2% है, इसकी अबंडेंस और परसेंटेज क्या है x3% है। ये क्या गिवन है, ये हमें अबंडेंस गिवन है यानी परसेंटेज गिवन है। तो इन तीनों ही परसेंटेज का सम क्या होगा, देखिए 100% है ये, तो तीनों ही परसेंटेज का सम 100 होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये 100 होगा। ऐसे मिक्सचर के लिए अगर हमें एटॉमिक मास की बात करनी हो तो इसके लिए एटॉमिक मास क्या होगा, इसके लिए तो एवरेज एटॉमिक मास को ही डिफाइन करना होगा, इसका एटॉमिक मास एवरेज होगा, किनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा, ये देखिए H11, H21, H31 के एटॉमिक मास का हमें एवरेज लेना होगा इनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंग, तभी हम इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास पूरे मिक्सचर का डिफाइन कर पाएंगे। देखिए पूरे मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, बारीकी से हमें अंडरस्टैंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास MAVG, ये है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसमें हमें तीनों का ही कंट्रीब्यूशन लेना होगा। कैसे लेना होगा, देखिए इस वन का x1% हमें लेना है, या फिर इसको हम मान लेंगे m1, क्या मान लेंगे इसको m1, इसको m2, एक जनरल रिजल्ट की हमें बात करनी है, इसको हमने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, इसको हमने m3 मान लिया है, अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं, जिस प्रकार से हाइड्रोजन के आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे, ठीक उसी प्रकार से और भी एलिमेंट्स के आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए आसानी के साथ एवरेज एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए इसकी बात करें, जनरल रिजल्ट की हमें बात करनी है, m1 m2 m3 ये हमने इनके एटॉमिक मास को कंसिडर कर लिया है, और अबंडेंस क्या है x1 x2 x3, तो m1 मास का x1% क्या होगा, ध्यान से देखिए m1 मास का x1% क्या होगा, m1 into x1 by 100, m2 मास का x2% क्या होगा, m2 into x2 by 100, m3 मास का x3% क्या होगा, m3 into x3 by 100। तो देखिए ज्यादा क्लैरिटी के साथ एवरेज एटॉमिक मास हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 100 होगा एलसीएम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और ज्यादा आइसोटोप्स हुए तो ऐसे आगे भी हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, क्लियर है बात, डिवाइडेड बाय 100। और ये हम जानते हैं जो अबंडेंस का सम होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ये क्या होगा, ये भी आप देख चुके हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये अबंडेंस का सम 100 होगा, और ज्यादा आइसोटोप्स होंगे तो उनकी अबंडेंस को भी हम ऐड कर देंगे। पूरा कंप्लीट मिक्सचर आपके पास है और उस कंप्लीट मिक्सचर में जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस को ऐड करने के बाद आपको ये सम 100 ही तो मिलेगा, तभी तो मिक्सचर कंप्लीट हो पाएगा, क्लियर है बात। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो आइए ध्यान से देखिए एवरेज एटॉमिक मास की पूरी कहानी में अभी तक ये आपने फील किया होगा, ऐसे हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स के वेरिएंट्स होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो हम एक बेहतरीन अंदाज में एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन कर पाएंगे। ये आप यहां पर देख चुके हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से डिफरेंट है, A-Z से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इसके देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, A-Z इसके लिए 0 है, यहां पर A-Z आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 है, यहां देखिए A-Z क्या है, यहां A-Z 2 है,
इस प्रकार से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ऐसे वेरिएंट्स अगर मौजूद होंगे तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए किस प्रकार से एम एवरेज को हमें यहां पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा। एम एवरेज इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री एंड सोन डिवाइडेड बाय 100, 100 से हमें डिवाइड करना होगा। इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में एवरेज एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। और ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये एवरेज है, फ्रैक्शनल तो हो ही सकती है। यहां पर M1, M2, M3 क्या है, आइए इसकी बात करें। यहां पर M1 है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1, क्लियर है बात, आइसोटोप 1। M2 क्या है, M2 इज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2। M3 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 3। यानी ये क्या है, ये मास नंबर है। ये आसानी के साथ आप देख लेंगे इनकी खोपड़ी में क्या लिखा हुआ है। देखिए 1, 2, 3 लिखा हुआ है, यही तो है M1, M2, M3। X1, X2, X3 क्या है, आइए इसकी बात करें। X1, X2, X3 क्या है, X1 है अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, जी हां अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज, यानी अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1। X2 क्या है, X2 इज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। X3 क्या है, X3 है अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 3। और ज्यादा आइसोटोप्स होंगे तो ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। ये हम जानते हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड सोन, और ज्यादा अबंडेंस होंगी तो उनको भी ऐड कर देंगे, तो इस सम किसके इक्वल मिलेगा। ये पूरे आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए इनकी अबंडेंस और परसेंटेज का सम 100 मिलेगा, क्लियर है, पूरा 100% है तो इनका सम 100 ही तो मिलेगा। देखिए एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है, इसको हमें बेबाक तरीके से यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा और यहां पर एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना होगा। बोरोन का आइसोटोपिक मिक्सचर हमें गिवन है, बोरोन 10, बोरोन 11 हमें गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। टू आइसोटोप्स हैं, एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूला को इस प्रकार से हमें अप्लाई करना होगा। एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई 100, अगर 3 होते तो प्लस एम थ्री एक्स थ्री भी होता, 4 होते प्लस एम फोर एक्स फोर भी होता, लेकिन 2 ही आइसोटोप्स हैं। इस कहानी को, इस सिलसिले को यहीं तक ही हम रोक देंगे। देखिए पूरी माया को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। एम वन क्या है, यदि मास नंबर 10 है ये एम वन है, मास नंबर 11 है ये क्या है, ये M2 है। अबंडेंस क्या है, ये परसेंटेज X1 है, इसकी अबंडेंस परसेंटेज X2 है। आइए इनकी वैल्यूज को पुट करें और यहां से M एवरेज यानी एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाए। देखिए 20 यहां पुट करना होगा, 20 X1 की जगह क्या पुट करेंगे, 20, और M1 की जगह क्या पुट करेंगे, इसकी अबंडेंस है 20, मास नंबर 10 है, 10, क्लियर है बात। यहां पर M2 को हमें 11 पुट करना होगा और इसकी अबंडेंस 80 है, डिवाइडेड बाय 100, 100 से हमें डिवाइड करना होगा। देखिए यहां से हमें एवरेज एटॉमिक मास क्या मिलता है, 200 प्लस 880 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको मिलता है 10.80। ये होगा इसका फाइनल आंसर। और ये देखिए एवरेज एटॉमिक मास है तो फ्रैक्शनल है कि नहीं है, जी हां ये फ्रैक्शनल है। तो जब भी एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शनल मिले इसका क्या मीनिंग है, ये एवरेज एटॉमिक मास है आइसोटोपिक मिक्सचर के कोरस्पोंडिंग। आगे चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ये अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसके बाद इससे रिलेटेड आपसे सभी टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ एन एलिमेंट कैपिटल एम एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म्स, कैपिटल एम टू आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, आइए
इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स की बात करें, कौन कौन सी आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं? M50 एंड M52। देखिए, एक आइसोटोपिक फॉर्म M50 है और दूसरी आइसोटोपिक फॉर्म M52 है। करना क्या है? अभी तो हमने केवल इस लाइन की मीनिंग को अंडरस्टैंड किया है। कैपिटल M टू आइसोटोपिक फॉर्म्स M52 में एग्जिस्ट करता है। आगे हमें क्वेश्चन को रीड करना होगा, तभी तो अंजाम तक ले जाएंगे बात को। देखिए आगे क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर इज 51.7। इस बार एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं करना है। पिछली बार हमने एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था, इस बार एवरेज एटॉमिक मास हमें गिवन है, एम एवरेज 51.7 हमें गिवन है। कैलकुलेट अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म, हर आइसोटोपिक फॉर्म की अबंडेंस क्या होगी, इसकी हमें बात करनी है। देखिए मान लेते हैं इसकी अबंडेंस होगी x1%, इसकी अबंडेंस होगी x2%, और कम वेरिएबल रखना चाहते हैं, सम क्या होगा 100 होगा, तो x2 को आप पुट कर दें 100 माइनस x1। कंफ्यूजन तो नहीं आपको? देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो रिपीट करता हूं, x1 प्लस x2, ये अबंडेंस का सम क्या होगा, ये होगा 100। पूरा मिक्सचर है, इसमें दो आइसोटोप हैं, एक की परसेंटेज x1 है तो दूसरे की परसेंटेज क्या होगी, x2 होगी, और x1 प्लस x2 ये सम क्या है, 100 है। तो आप ही बताइए मुझे x2 क्या होगा, x2 को x1 के टर्म्स में पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। x2 क्या होगा, ये होगा 100 माइनस x1, यही तो किया है ताकि हम एक ही वेरिएबल में एक ऐसी इक्वेशन बना पाए जिसको सोल्व करने के बाद एक बेहतरीन अंदाज में हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। देखिए हमें इस केस में कैसे एक्सप्रेशन को या बनाना होगा एम एवरेज को यूज करते हुए। एम एवरेज हमारे पास देखिए क्या है, टू आइसोटोप्स के केस में एम एवरेज M1X1 प्लस M2X2 डिवाइडेड बाय 100 है। देखिए एक आइसोटोप जिसका मास नंबर 50 है, यानी M1 होगा 50, दूसरा आइसोटोप जिसका मास नंबर 52 है, M2 क्या होगा इसके लिए, 52 होगा। देखिए जिसका मास नंबर 50 है इसकी अबंडेंस क्या है, जिसका मास नंबर 50 है इसकी अबंडेंस X1 है। देखिए जिसका मास नंबर 50 है इसकी अबंडेंस X1, ये हमने X1 को पुट किया। जिसका मास नंबर देखिए 52 है इसकी अबंडेंस क्या है, जिसका मास नंबर 52 है इसकी अबंडेंस है 100 माइनस एक्स, ये हमने मानी है इसकी अबंडेंस 100 माइनस एक्स। जिसका मास नंबर 52 है इसकी अबंडेंस 100 माइनस एक्स हमने कंसिडर किए है। अब क्या करना होगा, एवरेज एटॉमिक मास हम जानते हैं 51.7 गिवन है, हमें एक्स को कैलकुलेट करना है, यानी x1 को हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। 51.7 इज इक्वल टू 50 इंटू x1 प्लस 52 इंटू 100 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अंजाम तक पहुंचते हैं, हमें x1 को कैलकुलेट करना है। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, 5170 होगा, ये इक्वल है 50 इंटू x1 प्लस 5200 माइनस 52 इंटू x1। आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखिए क्या मिलता है, माइनस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 30। देखिए x1 क्या मिलता है, x1 इज इक्वल टू 15, अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज 15%। देखिए अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप वन इज 15, देन अबंडेंस ऑफ आइसोटोप टू क्या होगी, आइसोटोप टू की अबंडेंस होगी 100 माइनस 15, यानी 100 माइनस x1, ये होगी 100 माइनस 15, यानी 85%। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। या तो आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा या एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन होगा।
ऐसे सर्कमस्टांसिस में आपको फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है, एम एवरेज इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई 100। और ज्यादा आइसोटोप्स हैं तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 100। ये कहानी ऐसी चलती रहेगी, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और एवरेज एटॉमिक मास को हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन और देखिए, जाते जाते एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, इसको देखते ही आंसर करना है, पेन कॉपी यूज नहीं करनी है, साइड कर दीजिए। अगर पेन कॉपी आपके पास है तो उसको साइड कर दें, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें और देखते ही कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा। हीलियम हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, हीलियम 3 एंड हीलियम 4। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 3.98 amu। एटॉमिक मास देखिए हीलियम का क्या है, 3.98 amu है, यानी ये एवरेज एटॉमिक मास होगा, तभी तो फ्रैक्शनल मिला है। अगर ये एवरेज एटॉमिक मास नहीं होता तो क्या मास नंबर कभी फ्रैक्शनल होता है? कभी नहीं होता है। तो एटॉमिक मास फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये है एवरेज एटॉमिक मास। व्हिच आइसोटोप इज मोर अबंडेंट इन नेचर? वैसे तो अभी हमने जैसे अबंडेंस कैलकुलेट की थी, वैसे इसकी भी अबंडेंस को आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखते ही आंसर करना है। देखते हैं कॉमन सेंस में कौन एडवांस है, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको देखते ही आंसर कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये 4 के ज्यादा क्लोज है। एवरेज किस एटॉमिक मास की ज्यादा क्लोज होगी ये किस बात पर डिपेंड करेगा? मैथमेटिकली सोचिए, सेंस कीजिए, किस बात पर डिपेंड करेगा? इसकी अबंडेंस ज्यादा होगी तभी तो उसकी क्लोज है एवरेज। देखिए ये एवरेज 3.98 इस 4 की क्लोज है, इसका क्या मीनिंग है? इस आइसोटोप की, इस आइसोटोपिक मिक्सचर में ज्यादा अबंडेंस होगी तभी तो एवरेज एटॉमिक मास इसके ज्यादा क्लोज है। अगर इसके ज्यादा क्लोज होता एवरेज एटॉमिक मास तो इसकी ज्यादा अबंडेंस रहती, इसके ज्यादा क्लोज है तो इसी की ही ज्यादा अबंडेंस होगी। यहां भी देख लीजिए आप, प्रीवियस क्वेश्चन में यहां आइसोटोप 2 की अबंडेंस ज्यादा है, और देखना एवरेज एटॉमिक मास 51.7 था, ये ज्यादा क्लोज किसके है? ये देखिए ज्यादा क्लोज इसे 52 के है, इसी की ही तो अबंडेंस हमें ज्यादा मिल पाई थी। तो कौन ज्यादा अबंडेंट होगा? हीलियम 4 इज मोर अबंडेंट। ये देखिए हमने आग लगा दी है, रसायन लीला में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी आग तो हमारे दिल में लगती रहती होगी जब हम कॉन्सेप्ट को जानने की इच्छा रखते होंगे। उम्मीद है आपने भी इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या थी जो आपने यहां पर फील की होगी। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम आइसोटोपिक मिक्सचर इज क्लोजर टू एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4, हेंस हीलियम 4 इज मोर अबंडेंट। इसी के साथ आज हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब हमारी मुलाकात होगी मोल की मायावी दुनिया में। मोल कॉन्सेप्ट को जानेंगे, परखेंगे, मोल फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, बेस आपका मजबूत होगा तो बड़ी ही मंजिल बन पाएगी, और हमें मंजिल तक पहुंचना है तो एक बड़ी मंजिल बनानी होगी, तभी हम दूसरी मंजिल पर जंप कर पाएंगे और उस फाइनल मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। चलिए अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।